हिंदू राष्ट्र कहाँ से यार, बार बार कहते तो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र है ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है? बात तो कर रहे हैं ना, सपना तो देख रहे हैं ना वो लोग। सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना तो कोई देख सकता है, कमाल कर दिया। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, भारत है ये, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। तो ये बातें क्यों हो रही? यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करें तो हम चमार स्थान की मांग, अछूता स्थान की मांग करेंगे, टुकड़े ना होंगे भारत के। ये तो मांग क्यों कर रहे हैं ये लोग? उधर अमृत क्यों नहीं हो रही? उधर अमृतपाल ने पंजाब में बोल दिया कि मुझे खालिस्तान चाहिए, यदि हिंदू राष्ट्र चाहिए, मुसलमानों को मुस्लिम का वो चाहिए, इस्लामिक कंट्री चाहिए फिर देश को, हमें अपना अछूतस्थान चाहिए। जो बाबा साहब ने बाबा बीजेपी के है ना, तो बाबा पर कार्रवाई क्यों होंगे? ढोंगी अंत चिलम पीपी का बकवास करते रहते हैं, कुछ ही भगते रहते हैं। एक बाबा आवाज के साला पागल है, वो उनमें 50 करोड़ ला के दूंगा, 50 लाख दूंगा, राजेंद्र पाल का सर काट के लाओ जी। जो जो उनका धर्म को कमजोर कर रहा है ना, उसका सर काट के लो, 50 लाख दूंगा, उस पर जन कहाँ से पैसा आ रहा है? ये पागल हो चुके हैं, मेंटल हो चुके हैं, इनकी बातें तुम ज्यादा मत सुने करो, इनकी ना बातें हमें बताया करो, ये मेंटल है, चिल में पी के नशे में पड़े रहे, मैं कुछ भी। मंत्री भी तो कह रहे हैं बाबा तो छोड़िए ना भैया, मंत्री तो मलाई मिल रही है, मंत्री तो ये व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं। मंत्री हमेशा ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम से इन्हें फायदा हो रहा है, आप बताइए, हिंदू मुस्लिम तो करेंगे ही, उसी के हिसाब से इन्हें वोट मिल रही है। तो बात फिर लौट के वहीं आती है कि ये जितने भी हिंदू मानसिकता के लोग हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, ये खामोखा इस जुमले को फेंक कर 2024 में सत्ता पे आना चाह रहे हैं, वो दिन चले गए। अब बीजेपी दोबारा कभी सत्ता में नहीं आ सकती 2024 में, सब लोग समझ चुके हैं, ओबीसी पूरी तरह समझ चुका है, एससी समझ चुका है, एसटी समझ चुका है, सरदार समझ चुके, जितने भी जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, सब समझ चुके हैं। आपको क्या नुकसान होगा किस बात में? ये जो सनातन हिंदू राष्ट्र की जो हमें नुकसान है कैसा ना, हमारे जो बाबा साहब कह गए थे, भारत का संविधान बनाया था कि बाबा साहब ये कह गए थे कि ये इसको हिंदुस्तान, इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र मत बनने देना, तो हम बिल्कुल नहीं बनने देंगे, हमारी जान चली जाए बेशक, हम बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो क्या ऐसा संविधान में कोई प्रावधान है? नहीं, प्रोविजन ही नहीं है कि चाहे हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। पहले भारत रियासतों में था, जो रियासतों में था तो बाद में संघ बना तो सबको एक किया, तो उस समय इसी बात पर डिबेट हुई थी उसमें संविधान सभा में कि इस देश को हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र क्यों ना बनाया जाए, इसका नाम हिंदुस्तान क्यों ना रखा जाए। बाबा साहब ने सब लोगों को समझाया था, ये बताया था, सबको सेटिस्फाई किया था कि इस देश का नाम भारत पड़ेगा, हिंदुस्तान नहीं पड़ेगा, उसी समय पड़ जाता। ये तो जुमलाबाजी है, बीजेपी पहले राम के नाम पर वोट ले रही थी, अब जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट लेगी। अरे हिंदू राष्ट्र जब बन ही नहीं सकता, कोई प्रोविजन ही नहीं है हिंदू राष्ट्र का, तो कैसे बना देंगे? अभी तुम्हें पता गृहमंत्री ने मना कर दिया कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर बनेगा कहाँ से? तो ये सब जुमले हैं खामोखा की, बकवास है, अनपढ़ लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, और जो उनके अनुयायियाँ अनपढ़ जो उनके अनुयायियाँ, उनको भी समझना चाहिए कि तुम यार इनके उसमें क्यों आ रहे हो, जब हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। 2024 में जो दोबारा से सत्ता पाना चाह रहे हैं वो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है। 2024 की आप लोगों की क्या तैयारी है? क्यों नहीं है तैयारी? नहीं है, ये देश का पूरा ख़त्म कर दिया मामला, पूरा देश बेच दिया, 2 करोड़ जो रोजगार हर साल देने थे वो 2 करोड़ हर साल कम कर दिए, 10 करोड़ रोजगार इन्होंने ख़त्म कर दिया। आप बताइए रुपया कहाँ पे आ गया? जब 2014 में सरकार थी, जब 3000 के आसपास एक आदमी पाता था, अब 32,000 रुपये एक आदमी पे ऋण है आज की डेट में भारत में, कहाँ गया भाई पैसा वो? आप बताइए रिजर्व बैंक का जो सोना था वो कहाँ चला गया बताइए? आप नई जो पॉलिसी थी तुम्हारी नोट छापने में वो कहाँ चली गई तुम्हारी बताइए? काला धन कहाँ चला गया बताइए? सारे तुमने जितने भी इंस्टीट्यूशन है संस्थान है 2024 को लेकर आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, कमाल कर दी, जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब एक हो रहे हैं इस समय, और उनका सबका एक ही मकसद है कि इस बीजेपी को सत्ता से बाहर करना। कहाँ एक हो रहे हैं, सारे अलग-अलग? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, सारे एक मंच पे आ रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे इस समय। आज जो अब वो चल रहा है सेशन, तो सेशन में भी वो सारे के सारे एक होकर और बाहर 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 आकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। ईडी सीबीआई के नहीं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं कि ये अडानी ने जो देश को बर्बाद कर दिया सब कुछ, तुमने अडानी, अच्छा देखो कितना बड़ी कमाल की बात, अडानी एक नंबर का बेईमान, लोगों को धोखा दिया, लोगों को उसने देश को बर्बाद कर दिया। आप बताइए पूरी बीजेपी पूरी सरकार उसे बचाने के चक्कर में क्यों लग रही है? प्रधानमंत्री क्यों बचाने में लग रहे हैं? यदि तुम्हारे कोई रिश्तेदारी नहीं है तो बताइए आप क्यों बीजेपी सी बना रहे? बता नहीं रहे, बताइए उनके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे आप, बताइए क्या कर रहे हो ये जो कुछ बताइए आप। कुछ गलत थोड़ा क्या अडानी ने? अडानी ने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया, तुम क्या बात करो? तो शुक्र करो कि जो 3 कृषि कानून आए थे वो अडानी तक नहीं पहुंच पाए, कहने का मतलब है जो उनके अपने गोदाम बनाए थे ना वो खाली के खाली रह गए, वो वापस ले लिए, यानी जितनी भी जमीन जायदाद थी ना इनके, बेचारे ये किसान थे छोटे मोटे, सब नौकर बन जाते हैं। मोहन भागवत आपकी लड़ाई लड़ने? मोहन भागवत जी कभी नहीं, वो सब अच्छा जब चुनाव आता है जब हमारी लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव के बाद में लड़ाई नहीं लड़ते, क्या बात है? इसका मतलब ये कि SC ST OBC माइनॉरिटीज को बहका के वोट लेना चाह रहे हो, उसका मतलब और तो कुछ
कुछ नहीं है। अभी तक कहा जाता है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आप वो कह रहे हैं कि इनकी जो धर्म ग्रंथ है इनकी समीक्षा। आरक्षण की बात करते हैं बार बार, आरक्षण का मतलब है प्रेजेंटेशन, हमारा हर जगह रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। हमारा कहाँ आप बताइए, अभी मैं एक वो देख रहा था उसमें यूनिवर्सिटी में 187 पद में से 2 SC के, बाकी सब जनरल के। कमाल की बात देखो, प्रोफेसर पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ों लोग घूम रहे हैं PhD करे हुए, लाखों लोग PhD M.Tech B.Tech MBBS योग्य लोग मिल ही नहीं रहे। वो तो ऐसा है कि हम वहाँ बैठ जाएंगे तो हम कहने लगे योग्य यही नहीं है। तो बताइए कि मंदिर में जो पुजारी 100% रिजर्वेशन बैठा है, क्या उसके लिए योग्यता की जरूरत है क्या, आप बताइए। मेरा फिर लौट के मैं ही आ रहा हूँ, धारा 100 आप पे तंज कस रहे हैं, नई नई गाड़ी। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ से आपने पत्रकार महोदय सवाल किया था कि ये जो है UP गवर्नमेंट एक इस तरह का कानून लाने जा रही है कि SC की जमीन को बिना परमिशन के, DM की परमिशन के बिना आप बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो बहुत गलत है, बहुत ही बुरा साबित होगा यदि वो देश में दोबारा से लागू होता है। पहले था, बहन जी ने उन्हें उस पर जो भाजी गवर्नमेंट ने रोक लगाई थी, इसलिए रोक लगाई थी कि SC पर जमीन बहुत कम है, और वो भी SC की जमीन SC खरीदेगा, ये रूल है। आप बताइए जब वो जमीन खरीदने लगेंगे तो हमें बर्बाद ना कर दिया जाएगा, बताइए। तो इसीलिए वो बर्बाद करने की पूरी पूरी हमें साजिश है। लेकिन वकील साहब, राजधानी में एक वर्मा सरनेम लिखा है मोची ने, तो हाँ। दूसरे वकील ने उसको धमकाया कि आप वर्मा क्यों लिखते हो, आप चमार लिखिए अपने नाम के पीछे। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था, मैंने अखबार में पढ़ा था, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप बताइए कि किसी को भी कोई भी, यानी कि जो गोत्र लगाते हैं अपने नाम के पीछे, कोई भी लगा सकता है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं अपने नाम के पीछे गोयल, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, पंडित कुछ नहीं लगा सकता, कोई अपनी मर्जी है, कुछ भी लगाइए। कहाँ लगाने दे रहे हैं, पर बात क्या है कि वो पहचान है, वो पहचान है। अब वर्मा जो है वो ज़्यादातर सुनार लगाते हैं, सोने का जो काम करते हैं। अब एक वर्मा यदि मोची का काम करेगा तो आप बताइए, और यदि उस पर नेम प्लेट पर वो वर्मा लिखेगा तो जो वर्मा कैटेगरी के लोग हैं या उस जो उच्च कोटि के वाले जो मानते हैं अपने आप को, तो उन्हें बड़ा दुख लगेगा, ये चमारों का काम है, ये मोची का काम है ये काम करने का, तुम वर्मा क्यों कर रहे हो। तो यदि इस काम को करते हो तो हटाओ, तो इसलिए उसे धमकाया, जो गलत है, बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। उसने कहा भी है कि मैंने उस पर नेम प्लेट ढक लिया था उसने, ताकि लोगों को पता ना चले कि वर्मा जो है ये जूती गांठने का या जूते गांठने का काम कर रहा है। जिस वकील साहब ने उसे धमकाया वो गलत, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। कानून इसी बात के लिए, संविधान चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही कहता है यदि किसी आदमी पर आप इस तरह का अत्याचार करते हो, आरोप लगाते हो, तो वो आप जो है उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। तो वकील साहब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, दलित ना मुंह रख सकता है, ना घोड़ी पर चढ़ सकता है, ना वो सरनेम लगा सकता है, ये किस दिशा में जा रहा है देश। आप जिन दलितों की बात करते हो वो हैं, वो जो दलितों की जिनकी बात कर रहे हो ना, वो दलित नहीं है, वो जिंदा लाश घूम रही हैं, उनके खून में पानी हो चुका है। हमें आज तक, हम घोड़ी पे भी चढ़े और हम कुवान पे भी चढ़े, हम स्कूलों में भी चले, हम सब जगह चले, हमें आज तक साले किसी ने नहीं रोका। हम भी दलित हैं अपने आप में, हम जाटव हैं, आप बताइए सारी ताकत हमारे अंदर क्यों है। हम एक मिनट में कान पर थपाड़ मारे करे जो भी हम तू का देवा, और अभी भी मारे हैं हम। तो दूसरों के लिए क्या कर रहे हो आप, मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं दूसरों से ये कह रहा हूँ, भैया जब तक मारना ना सीखोगे, जब तक ऐसे पिटते रहोगे, तुम्हारे घरों में भते हथियार हैं, वो किस काम आएंगे। दुनिया भर की फसल काट सकते हो, दुनिया भर की बिल्डिंग गिरा सकते हो, दुनिया भर की खुदाई कर सकते हो, हैं, आदमियों पर यूज नहीं कर सकते क्या। तुम्हें, तुम्हारा जो दुश्मन है, तुम चाह रहे हो कि पुलिस तुम्हारी सुरक्षा करेगी, कोर्ट तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, सरकार तुम्हारी सुरक्षा करेंगी, तुम ये समझ रहे हो। ये बिल्कुल भूल जाओ, गलत है। ना तुम्हारी सरकार करे, सरकार भूल जाओ, ना तुम्हारे कोर्ट करे, कोर्ट भूल जाओ, जितने पुलिस है वो तुम्हारे फेवर ना करे, बल्कि जाति देख के काम हो रहा है। अपने हाथ में लो कानून को, अपने हाथ में हिंसा करें, हिंसा ना, मैं हिंसा की बात नहीं कर, डिफेंसिव की बात कर रहा हूँ मैं। हिंसा तो ये जब तुम डायरेक्ट किसी पर अपनी तरफ से वार करोगे, यदि जो भड़काने की बात नहीं करे, मेरी बात सुनो, जो तुम्हें मार रहे हैं, जो तुम्हें कूड़े पे नहीं चढ़ने दे रहे, जो तुम्हें सार्वजनिक स्थान पर नहीं चढ़ने दे रहे, घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दे रहे, मूंछ तुम्हें नहीं रखने दे रहे, अब बहन बेटियों की तुम्हारी इज्जत लूट रही है, भैया तुम्हारे खून का पानी हो गया, मर गए हो तुम, जिंदा नहीं हो,